हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं, जो हम आपको पेपर सॉल्व करा रहे थे बॉटनी स्पेशल, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। अभी इससे पहले हमने जो सिक्स पार्ट आपके लिए उपलब्ध कराया था वो इसका आधा पार्ट था। आधा पार्ट ये है और कोशिश करेंगे कि आज पूरे 120 जो क्वेश्चन है इसके वो सॉल्व करा लें। इसमें जो क्वेश्चन हैं वो पीजीटी बायोलॉजी में आए हुए हैं और पीसीएस बॉटनी जिन लोगों ने चूज की उसमें आए हुए हैं, आईएएस में जिन लोगों ने बॉटनी चूज की उसमें आए हुए हैं, आईएफएस में बॉटनी चूज की उसके क्वेश्चन हैं, और बॉटनी के जो अदर बायोलॉजी के एग्जाम हैं जहां बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके भी इसमें क्वेश्चन हैं। और जो पीजीटी बॉटनी होता है, कुछ प्रदेश पीजीटी बॉटनी, अभी यूपी में भी पीजीटी बॉटनी होता था मगर इसी साल से बंद कर दिया गया है, तो उसके भी क्वेश्चन है। तो इसके बाद ये जब पूरा हमारा बॉटनी सेक्शन खत्म हो जाएगा तो हम आपको जूलॉजी सेक्शन उपलब्ध कराएंगे। और आपको इससे पहले हम बता चुके हैं कि प्रॉपर आप अगर पेपर सॉल्व करेंगे तो ये मान लीजिए कि आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि पेपर सॉल्व करने से नए नए क्वेश्चन जो ट्रेंड्स में आते हैं वो पता चलते हैं, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाना वो पता चलते हैं, और सॉल्व करने में जो एरर होती है, जो हम लोग गलतियां करते हैं, वो जीरो हो जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। द प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिनिस, तो ऑक्सिनिस का प्रीकर्सर कौन है आप लोग बताइएगा, ऑक्सिन का प्रीकर्सर का। एक और चीज देखिएगा, नीचे आंसर तो दिए मगर एक बार आप आंसर मत दिखा करिए, आप ऊपर केवल देख के एक बार दिमाग में ये लाने की कोशिश करिए क्या सही है, फिर आंसर देखे कि हमने सही किया कि नहीं किया। तो वो ट्रिप्टोफेन है, कौन सा है, सी ट्रिप्टोफेन है। ट्रिप्टोफेन इज एक्ट द प्रीकर्सर इन द केस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। तो ये किताब का भी उन्होंने नाम दे रखा है कि किस किताब से आंसर को निकाला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कैरियर इन द फोटो सिंथेसिस इज मोबाइल एंड कैराइज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द साइट B6 टू PS फर्स्ट थ्रो द थैलाकॉइड ल्यूमेन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपके हिसाब से बताइएगा। तो उसने कहा है प्लास्टोक्यूनिन। क्या है प्लास्टोक्यूनिन? आपने देखा होगा B6 से कहां जाता है इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोक्यूनिन से B6 में जाता है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइट B6 इज कैराइड टू द PS सेकेंड बाय द प्लास्टोक्यूनिन। तो आपने देखा होगा साइक्लिक में तो प्लास्टोक्यूनिन के पास जाता है, सबसे ऊपर रहता है। द हार्मोन दैट कंट्रोल क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा इन द रिस्पॉन्स टू वाटर स्ट्रेस, तो वो एब्सिसिक एसिड होता है जो क्या करता है, एब्सिसिक एसिड आपको बता दें निगेटिव हारमोन है और इनहेबिटिक हारमोन है। तो एब्सिसिक एसिड कंट्रोल द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन रिस्पॉन्स टू वाटर स्ट्रेस। स्ट्रेस के समय जो स्टोमेटा को बंद रखता है या पानी नहीं निकलने देता है वो एब्सिसिक एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स में कौन सा ऐसा है जो इसका मतलब इसमें नहीं पाया जाता है, तो वो है जस्ता। ZN इज नॉट कंपोनेंट नाइट्रोजन, और बकाया क्या आयरन पाया ही जाता है, सल्फर पाया जाता है, मॉलीबेडनम पाया जाता है। तो एक तो ये भी पता चला कि नाइट्रोजन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो मान लो इसमें ऑप्शन नहीं तो मॉलीबेडनम है, आयरन है, सल्फर है। द आइसोटोप दैट हैव द प्रूव्ड यूजफुल इन द फोटोसिंथेसिस रिसर्च इन, तो फोटोसिंथेसिस रिसर्च में जो मुख्य आइसोटोप यूज किया गया था वो कौन सा था, तो C14 और O18। तो रूबेन कॉमन ने O18 लिया था और जो कैलविन साइकिल में देखा गया था तो C14 क्लोरेला में यूज किया गया था। चलिए आगे इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सेल बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस समय उनकी बात करते हैं। द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द सेल इज, तो मोस्ट स्टेबल जो आरएनए होता है वो आरआरएनए होता है जो लंबे समय तक रहता है। टीआरएनए बिल्कुल थोड़े समय के लिए रहता है, गायब हो जाता है। एमआरएनए भी प्रोटीन सिंथेसिस के बाद गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग सेल वैक्यूल इज नोन एज, तो जो सेल वैक्यूल को मेम्ब्रेन घेरे रहती है टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और इसमें क्या पाया जाता है, एंथोसाइनिन पाया जाता है जो फूलों को रंग देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द हाइएस्ट नंबर ऑफ द सेल, इनमें सबसे ज्यादा हाइएस्ट नंबर में सेल में क्या पाए जाते हैं, तो वो राइबोसोम है। सिंपल सी बात है, चूंकि प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रोमियर इज लिंक्ड विथ, तो वो क्या बनाते हैं, स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं और स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं सेल डिवीजन के समय।
सुसाइडल बैग द एनोदर नेम, जो सुसाइडल बैग आप सब लोग जानते हैं, सुसाइडल बैग लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है तो आपको बता दें, डाइजेस्टिव इंजाइम पाया जाते हैं, हाइड्रोलिटिक इंजाइम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और एक सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन से कवर रहता है, इसे सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। इनके तीन रूप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल लाइसोसोम्स, तो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म भी दिखाई देती है, तो ये ध्यान रखना। सेल थ्योरी गिवन बाय द स्लाइडन और स्वान ने दिया था, इन्होंने कहा था प्रत्येक जो जीव होता है वो कोशिकाओं से बना होता है। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, लिवियन हॉक ने एक तो माइक्रोस्कोप भी बनाया था, और एंटोनी वान लिवेकॉन्ग ने बैक्टीरिया की भी खोज की थी, स्पर्म की भी खोज की थी। मेंडल ने जेनेटिक लॉ, इनहेरिटेंस जेनेटिक लॉ दिए थे, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीन नियम दिए थे। इनमें से इंडिपेंडेंट शायद असॉर्टमेंट जो है वो बाद में बना था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जीनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द म्यूटेजन, इनमें से म्यूटेजन कौन सा नहीं है, तो देखिए थोड़ा सा घुमा के दिए, NTGEMS, तो इसमें से हमारे हिसाब से 24D जो है ये एक ऑक्सिन हार्मोन्स है जो म्यूटेजन्स का काम नहीं करता है। हेट्रोसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्टिनेट टू, तो अब बताइएगा हेट्रोसिस इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द एक्सटेंड द हेट्रोजाइगोसिटी, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। मेंडेलियन प्रिंसिपल आर मेनली रिलेटेड टू, तो मेंडेलियन जो है वो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस से संबंधित है। ऑन ए कोप्लेमर यूसी वर्किंग एज टेम्पलेट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, हाउ मैनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड विल बी द इनकारपोरेटेड इन द प्रोटीन, तो बताइएगा देयर सेल बी टू अमीनो एसिड, तो ऑप्शन इसका सही होगा बी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसको देखिएगा, ये बिल्कुल सबसे क्वेश्चन अलग है, और इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने में भी अक्सर नहीं आते हैं, तो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है और नए तरीके का है, तो इसको दो तीन बार क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। कोपॉलीमर है, ऑन ए कोपॉलीमर यूसी वर्किंग एज द टेम्पलेट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, द कोपॉलीमर की बात कर रहा है, यूसी वर्किंग इन द टेम्पलेट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, सो मेनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोटीन, तो वो दो ऑप्शन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। द केमिकल काइनेज ऑफ डीएनए आर, तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा हमें पढ़ने में भी सही नहीं लग रहा है, किनवेज ऑफ द डीएनए आर, तो इसको ऑप्शन इन्होंने बी सही बताया है, पॉलीमरेज बाय द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, देखो यहां उन्होंने ये बताया हुआ है डी नंबर, इसको हटा देते हैं, डी नंबर बताया हुआ है। द हेल्प ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस द डीएनए स्टैंड कैन बी कट ऑन द डिजायर्ड प्लेसेस, सो इट इज कॉल्ड द केमिकल नाइफ, नाइफ्स दिया हुआ है, तो इसमें जो केमिकल नाइफ्स की बात कर रहा है तो वो तो सिंपल सी बात है, इंडो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, हमें पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल डिस्क्राइब्ड बाय द वेस्टर्न क्रिक, तो इन्होंने बी जो था उसको बताया था, किसको बताया था, बी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन्स इनकोड द ल्यूसीफेरेज एंजाइम, तो वो कौन सा जीन है जो ल्यूसीफेरेज एंजाइम में काम करता है, तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, तो वो है बी, लक्स ए जीन इनकोड द ल्यूसीफेरेज एंजाइम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लक्स ए जो जीन है वो ल्यूसीफेरेज एंजाइम के लिए कोड करता है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम, तो ये सब बहुत क्वेश्चन सही है, थर्मस एक्वेटिकस है जो जिससे हम निकालते हैं। द रूट सेल देयर आर 16 क्रोमोसोम्स द पोलन ग्रेन विल हैव, तो पोलन ग्रेन चूंकि हैप्लॉइड होते हैं तो हमारे हिसाब से 8 होगा इसका, 8 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, उसका हैप्लॉइड कर दो। एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड आर यूजफुल बिकॉज, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड आर यूजफुल बिकॉज, तो दे हैव हाई प्रोडक्टिविटी, दे हैव द
एक्सेसिव विगर दे कैन बी यूज टू द प्रोड्यूस होमोजाइगस स्टॉक्स, तो ये ऑप्शन सही होगा इसका सी। ओपरान कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय, तो ओपरान कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जैकब और मोनार्ड ने दिया था। किसने दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन, पीजीटी पूछा गया था। इन्होंने लिया क्या था, तो लैक्टोज लिया था। क्या लिया था, लैक्टोज। जैकब मोनार्ड ने 1961 में लैक ओपरान मॉडल दिया था। उन्होंने प्रोटीन बताया था कि किस प्रकार से कंट्रोल होती है। 61 बेसिस ऑफ दियर स्टडी द इंड्यूसिबल सिस्टम ऑफ द सिंथेसिस बी ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम इन ई कोलाई प्रपोज्ड ए मॉडल इन द ऑर्डर ऑफ एक्सप्लेन द इंडक्शन और रिप्रेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस द मॉडल इज प्रॉपरली नोन एज द ओपरान मॉडल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज इंजुरीज टू द प्लांट बिकॉज, तो उसमें देखिए क्या पाया जाता है या क्या होता है। रेडिएशन इज इंजुरीज टू द प्लांट बिकॉज इट ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज द रेस्पिरेशन कॉज द डिहाइड्रेशन जीन म्यूटेशन, तो ऑप्शन सही होगा जीन म्यूटेशन। आरएनए पॉलीमरेज अटैच ऑन द डीएनए एट ऑपरेटर साइट, प्रमोटर साइट, एक्टिवेटर साइट और रिप्रेसर साइट, तो इसका ऑप्शन सही होगा प्रमोटर साइट। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू एंड मूव्स फ्रॉम द प्रमोटर साइट, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द ट्राइसोमिक द ट्राइसोम इज एन आइसोक्रोमोसोम, दिस टाइप ऑफ ट्राइसोमी विल बी प्राइमरी ट्राइसोमी, सेकेंडरी ट्राइसोमी, टेट्रा ट्राइसोमी और कंपेंसेटिव ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी और फॉलोइक टाइप देख लीजिए, यहाँ आप चारों ने बताए हैं कि प्राइमरी ट्राइसोमी वेयर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज आइडेंटिकल टू टू होमोलोगस, सेकेंडरी टाइप वेयर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज एन आइसोक्रोमोसोम, टेट्रा जो टर्सरी ट्राइसोमी है, टर्सरी ट्राइसोमी की बात करें वेयर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसलोकेशन, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा सेकेंडरी ट्राइसोमी। कोलीफेज 5174 पजेस, तो इसकी खास बात होती है कि डीएनए इसमें जो पाया जाता है सिंगल स्टैंड पाया जाता है, तो सिंगल स्टैंड देख लेते हैं, तो ए सही है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये सिंगल स्टैंड डीएनए होता है इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाउंड जो ट्यूमर वायरस होता है उसमें डबल स्टैंड आपका डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और एक और था शायद कोई वायरस हमने कल पढ़ा था तो उसमें भी डबल स्टैंड आरएनए पाया जाता है। बॉवेल हाइपोथेसिस गिवन बाय द, तो बॉवेल हाइपोथेसिस नीरनबर्ग ने सॉरी क्रिक ने दी थी। बॉवेल हाइपोथेसिस वाज प्रेजेंटेड बाय द एफ एच सी क्रिक, तो ये आप यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जो दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होता है, चूंकि सब आप पढ़ते हैं और सब मिक्सअप हो जाता है, कहीं कहीं जाता है कहीं कहीं जाता है, ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, मगर आप पढ़ते हैं तो सब मिक्सअप हो जाता है, कहीं का कुछ जवाब दिमाग सर्च करके देता है, तो इन सॉल्व करने से दिमाग बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। तो बॉवेल हाइपोथेसिस क्रिक ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो कुछ ऐसे हैं या जो थर्ड वाला कोडांस होता है लास्ट वाला, वो उसका कोई ज्यादा महत्व तो नहीं होता, वो इधर उधर भी हो जाता है तब भी प्रोटीन सही बनती है। द COOS साइट ऑफ द कॉस्मिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो COOS साइट जो होती है वो क्या ड्राइव करती है, तो अब बताइएगा, तो लैम्डा फेज। द कॉस्मिट आर प्लाज्मिक पार्टिकल इनटू व्हिच द सर्टेन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस नेमली दोज फॉर द कॉस साइट आर इंसर्टेड, दिस कॉस साइट इनेबल डीएनए टू गेट द पैक्ड इन लैम्डा पार्टिकल। सिग्मा फैक्टर इज ए कंपोनेंट ऑफ, तो सिग्मा फैक्टर जो है वो किसका कंपोनेंट है आप बताइएगा, तो वो डीएनए पॉलीमरेज का आरएनए पॉलीमरेज का कंपोनेंट। सिग्मा फैक्टर इज द कंपोनेंट ऑफ आरएनए पॉलीमर, इट हैज मास 85,000 डाल्टन एंड इट्स पॉसिबल फंक्शन इज इनिशिएशंस, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिग्मा जो फैक्टर है वो डीएनए पॉलीमर आरएनए पॉलीमरेज में पाए जाते हैं।
तो ये सॉल्व करने से पहले हमारे दिमाग में डीएनए था, चूंकि डीएनए और आरएनए दोनों पॉलीमरेज के रूप में काम करते हैं, तो दिमाग में था, मैंने इसको पढ़ा भी था, सिग्मा पाया जाता है और बीटा और गामा भी पाया जाता है और उसके पास ओमेगा भी पाया जाता है, तो एक सब फैक्टर होते हैं फैक्टर, तो ये मैंने पढ़ा था और दिमाग में था और यहां देखिए आकर कंफ्यूज होने लगा। तो ये चीजें हैं जो आपको दूर होंगी। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड नीडेड टू बाइंड द साइटोसिन विद द ग्वानिन टू डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल इज, तो इसमें क्या कह रहा है, साइटोसिन और ग्वानिन तो वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, कैसे होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो यहां ऑप्शन ट्रिपल बॉन्ड। बाई ब्रोमो यूरेसिल इज एन एनालॉग ऑफ, तो 5 ब्रोमो यूरेसिल इज एन एनालॉग ऑफ, तो वो किसका एनालॉग होता है, तो वो थाइमिन का होता है, थाइमिन की जगह आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। हेट्रोजाइगोसिटी कैन बी द एसर्टेंड बाय, द हेट्रोजाइगोसिटी कैन बी द एसर्टेंड बाय, तो अब बताइएगा टेस्ट क्रॉस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हमें लगता है बायोटेक के काफी उसने क्वेश्चन पूछे हैं। कैरियोटाइप रिफर्स टू द फिनोटाइप अपीयरेंस ऑफ द क्रोमोसोम सेल्फ, केमिकल कंपोजिशन क्रोमोसोम फिनोटाइप अपीयरेंस ऑफ वन क्रोमोसोम्स, तो इसका ऑप्शन होगा नॉन ऑफ द एवव। द कैरियोटाइप इज गिवन टू द ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक द आइडेंटिटी पार्टिकुलर क्रोमोसोम सेट एंड द यूजुअली रिप्रेजेंट बाय अ डायग्राम कॉल्ड द आइडियोग्राम, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड बाय द पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड द, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्जन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्जन। अब आती है एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से वो कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो कैल्शियम जो कार्बोनेट है तो वो इससे मैच करेगा, क्यूटकिल जो है वो इससे मैच करनी चाहिए, ठीक है, और लिग्निन जो है वो कार्क सेल से करनी चाहिए, सॉरी ये जाएगा सुबेरिन, सुबेरिन कार्क सेल से करनी चाहिए, और विच ऑफ द नॉट करेक्ट, तो ये कोलेन काइमा है, लिग्निन से संबंधित है, कोलेन काइमा में लिग्निन नहीं पाई जाती है। केमिकल कंपाउंड टिश्यू प्लेस द केमिकल कंपाउंड की बात कर रहा है, तो बता रहा है लिग्निन जो है कोलेन काइमा, सुबेरिन कॉर्क सेल और क्यूटकिल एपिडर्मिस और कैल्शियम कार्बोनेट सिस्टोलिथ। द इंटर जेलरी एज द वेल इंटर जेलरी फ्लोयम इज फाउंड, तो इंटर जो जेलरी फ्लोयम है वो किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है हमारा स्ट्राइकोनस में, इंटर जेलरी एज वेल एज द इंटर जेलरी फ्लोयम इज द फाउंड इन स्ट्राइकोनस, तो अच्छा क्वेश्चन है। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, तो इन्वर्टेड जो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, तो इन्वर्टेड जो वेस्कुलर बंडल होते हैं विग्नोनिया में देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन विग्नोनिया। अब आता है क्रिप्टोगेमस में फंजाई से कौन कौन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइकेन, तो लाइकेन इसमें कौन सा है, आइसलैंड मॉस को लाइकेन बोलते हैं, पीट मॉस जो होता है वो मुझे लगता है इस फैग्नम को बोलते हैं, क्लब मॉस लाइकोपोडियम को बोलते हैं, और बॉग मॉस भी हमें लगता है उसी को बोलते हैं, तो देख रहा है बॉग मॉस स्फैग्नम को बोलते हैं, आइसलैंड मॉस क्राइटेरिया आइसलैंडिका लाइकेन है, क्लब मॉस लाइकोपोडियम, और पीट मॉस जो है वो भी स्फैग्नम को बोलते हैं, चलो सही बताया। टेल्यूटोस्पोर ऑफ पक्सीनियर, तो टेल्यूटोस्पोर जो होते हैं बाई डबल सेल्ड होते हैं, डाइकैरियोटिक होते हैं, मोनोकैरियोटिक कहां होंगे, अगर उसकी टेल्यूटोस्पोर में दो सेल्स होती हैं और जो दो सेल्स होती हैं प्रत्येक में एक एक न्यूक्लियस होता है, बाद में पहले उसमें प्रत्येक में दो दो न्यूक्लियस होते हैं, दोनों फ्यूज होते हैं फिर सिंगल बनाते हैं, तो टेल्यूटोस्पोर, इसका अच्छा भाषा पढ़ें,
क्या आंसर दे रहा है। टेल्यूटोस्पोर इज द टू सेल सही है, स्पिंडल सेप्ड ठीक है, थिक वॉल्ड स्पोर ठीक है, विद इन साइटोप्लाज्म ऑफ ईच यंग सेल देयर आर टू न्यूक्लियाई बिल्कुल सही है, यही हम बता रहे थे। विच सब्सिक्वेंटली फ्यूज इन टू वन एंड देयर इज ऑल्सो द वैक्यूल कंटेनिंग ऑयल ठीक, ईच सेल ऑफ द मैच्योर टेल्यूटोस्पोर देयर फॉर द कंटेन्स डिप्लॉयड न्यूक्लियस तो यही तो सही है। टेल्यूटोस्पोर पक्सिनिया आर मोनोकैरियोटिक तो उससे डाइकैरियोटिक होना चाहिए, दो केंद्रक पाए जाते हैं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। आप देखिएगा हम आपको बता दें कि जो इसकी संरचना होती है वो इस तरीके से होती है और इसमें ये होता है एक दो न्यूक्लियस ये पाए जाते हैं ऐसे और एक ये यहां पाए जाते हैं ऐसे और ये संरचना होती है और ये टेलीटोस्पोर के दोनों फ्यूज हो जाते हैं लास्ट में एक होता है। तो अब जरा बताइएगा थोड़ा सा कंफ्यूज है इसमें आंसर से, मोनोकैरियोटिक से हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि शुरुआत में डाइकैरियोटिक होता है फिर ये मोनोकैरियोटिक होता है और डबल सेल्ड होता है। तो देख लीजिएगा हमने आपको पूरा उसका खाका दिया है। तो अगर एक सेल की बात करेगा उसमें चूंकि डबल सेल्ड होती है तो अगर एक सेल की बात करेगा तो ये सही है, अगर शुरुआती यंग स्टेज में बात करेगा तो ये सही है और सिंगल सेल तो सही नहीं है। चलो देख लेते हैं कप फंजाई बिलोंग टू, तो कप फंजाई कौन से कहलाते हैं, तो कप फंजाई आपके कहलाते हैं एस्कोमाइसिटीज। क्या कहलाते हैं, एस्कोमाइसिटीज। द कप फंजाई बिलोंग द क्लास एस्कोमाइसिटीज इन कवर्ड स्मट द कवरिंग द मेम्ब्रेन अराउंड द क्लमाइडो स्पोर्स डेवलप फॉर फंगल माइसिलियम म्यूसिलियम फॉर होस्ट प्लांट। तो ये फंगल माइसिलियम से क्या है, फंगल माइसिलियम से रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड द एक्वाटिक फंगस, तो एक्वाटिक सेप्रोलाइग्निया जो है एक्वाटिक फंगस है, ये मक्खियों वगैरह पे देखा जाता है पानी में। द क्लोरोप्लास्ट इज द ओडोगोनियम, तो ओडोगोनियम में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रेटिकुलेट होता है, कैसा होता है रेटिकुलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डिप्लॉयड एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया, तो किसमें डिप्लॉयड एंथ्रीडिया और ओगोनिया हमें देखने को मिलता है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये तो सार्गासम में हमें देखने को मिलता है डिप्लॉयड एंथ्रीडिया और ओगोनिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज, तो वो तो आप जानते हैं मल्टी एक्सियल होता है, कैसा होता है मल्टी एक्सियल, साइफोनियस के साथ साथ मल्टी एक्सिस पाए जाते हैं, कई सारे एक्सिस पाए जाते हैं, मगर यहाँ ऑप्शन बी सही दे रहा है, कई सारे उसमें साइफन पाए जाते हैं आपस में जुड़े हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज द कॉलोनियल, इनमें कौन सी एल्गी कॉलोनियल है, तो वॉलवॉक्स है और इसकी जो सिनोबियल कॉलोनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। बैंथिक एल्गी आर फाउंड इन, तो जो बैंथिक एल्गी होती है वो कहां पर, बैंथिक एल्गी दोस प्लांट विच द फाउंड इन द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वर, द बैंथिक एल्गी आर फाउंड इन वाटर, तो वो तो सही है बैंथिक शब्द ही आया तो वाटर में पाया जाएगा। चलिए देख लेते हैं ए पैरासाइट ग्रीन एल्गीज, तो इनमें से जो सिफेल्यूरस होता है वो पैरासाइट एल्गी है जो रेड रस्ट ऑफ टी उत्पन्न करता है। जायगोटिक म्यूसिस इज फाउंड इन, तो जायगोटिक जो मियोसिस पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कारा में, ये सारे हायर वाले हैं, ये लोअर वाला फंगस है। गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट आर रेड एल्गी आर फॉर्म्ड, तो गोनिमोब्लास्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म होता है इन द पॉलीसाइफोनिया फॉर्म द फर्टिलाइज कार्पोगोनियम एराइज नंबर न्यूमेरस शॉर्ट फिलामेंट काल द स्पोरो जीनस और गोनिमोब्लास्ट, और ये ब्रैक्टोस्पर्मम में भी गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट देखने को मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंडिंग, तो आइसोमार्फिक जो हमें देखने को मिलता है वो एक्टोकार्पस में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल ऑफ, तो इलेक्ट्रोफोर्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो किस में देखने को मिलते हैं, तो पेलिया एंड रिसार्डिया में देखने को मिलते हैं। द मास ऑफ स्टराइल सेल्स इलेक्ट्रोफोर अटैच द एपेक्स ऑफ कैप्सुलर कैप्टी इन द रिसार्डिया और द बेसल ऑफ द पेलिया, इसे जो इलेक्ट्रोफोर होते हैं वो नीचे से निकलते हैं अगर ध्यान दिया हो। ए कैप्टी फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द प्रोटोजाइलम ट्रैकिड्स इन द एक्विसिटम इज कॉल्ड,
तो उसे वेलिकुलर कैनाल, क्रैनियल कैनाल कहते हैं। ए कैप्टिव फॉर्म द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकीट्स इज एक्विसिटम कॉल द क्रैनियल कैनाल। दो होती है, वेलिकुलर कैनाल, क्रैनियल कैनाल पाई जाती है, तो क्रैनियल कैनाल कहते हैं। इन इक्विसिटम द क्रैनियल कैनाल इज फॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकीट्स। परिहार की बुक से लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन पाइनस। इनमें क्या नहीं पाया जाता है पाइनस में, तो पाइनस में जो नहीं पाया जाता मोनोजाइलिक फूड नहीं पाई जाती। मोनोजाइलिक जो फूड होती है वो साइकस में पाई जाती है। साइकस जब ओल्ड होता है तो वो पॉलीजाइलिक हो जाती है, ध्यान रखिएगा। द स्टडी ऑफ मेडुलरी रेज इन द हाइट एंड विड्थ विच द फॉलोइंग प्लेन्स विल यू सजेस्ट फॉर द सेक्शनिंग द पाइनस स्टेम। तो वो कौन सा होगा, TLS होगा, तो TLS में कौन सा, ये ट्रांजिशनल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म फॉर्म बाय द बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है और ये हैप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म फॉर्मड बाय फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई एंड मीन्स मेगा स्पोर फर्टिलाइज। तो इसमें से तो ये दिया हुआ है मेगा स्पोर। द एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म इज पार्ट ऑफ द मेगा स्पोर, इट इज प्रोड्यूस बिफोर द फर्टिलाइजेशन, हिज इज हैप्लॉइड। तो मेगा स्पोर का हिस्सा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट टिश्यू इन द साइकस। तो गैमेटोफाइट टिश्यू इन द साइकस बताइएगा, तो वो तो सिंपल सी बात है, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट मेल गैमेट फाउंड इन, तो वो तो आप सब जानते हैं साइकस में पाया जाता है। डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, तो डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल किसमें देखने को मिलते हैं, तो वो हमें साइकस में डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द साइकस जाइलम इज द डिप्लोजाइलिक सिंस इट इज द डिफ्रेंशिएटेड इन टू द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, तो इसे डिप्लोजाइलिक बोलते हैं। अब आते हैं पेलियोबॉटनी और इवेल्युएशन में, तो क्लोरोफाइट्स पजेस, तो प्रो जो क्लोरोफाइट्स होता है, क्लोरोफाइट्स हैव बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी, दे डोंट हैव द फाइकोब्लिन्स, दिस फीचर सेपरेट, ऐसे ले लें, सेपरेट फ्रॉम देम फ्रॉम द साइनोबैक्टीरिया हु डोंट नॉट क्लोरोफिल बी बट हैव फाइकोब्लिन्स। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्या सही है, बी। चलो देखते हैं रिकैप्टुलेशन थ्योरी ऑन्टोगोनी रेप्टिकुलर फाइलोजेनी गिवन बाय द, तो इसको हैकेल ने दिया था, किसने दिया था, हैकेल ने। द जर्मप्लास्ट थ्योरी वीजमैन ने दिया था। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम बहुत हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप द डोमिनेटेड ऑन द अर्थ ड्यूरिंग जुरैसिक पीरियड, जुरैसिक पीरियड के समय कौन से पूरी पृथ्वी पर थे, तो वो थे बेनीटाइटल्स थे। द फर्स्ट एविडेंस द लाइफ ऑन द अर्थ डेट्स बैक टू, कितने साल पहले हाँ पृथ्वी पर जीवन हुआ, तो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिप्लॉइड टिश्यूज इज, तो ट्रिप्लॉइड टिश्यूज किसमें पाए जाते हैं, तो एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। एंडोस्पर्म किसका होगा, तो सिप्सेला, जो कि एंजियोस्पर्म की बात करेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया। द स्टेनो फिलेनस पोलेंस आर फाउंड इन, तो स्टेनो फिलेनस पोलन आर फाउंड इन किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है लेमिएसी में। द स्टेनो फिलेनस पोलन बोथ इज एग्जाइन एंड इंटाइन आर स्मॉच, दे आर फाउंड इन फैमिली लेमिएसी। विच आर द विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड, इनमें कौन सा है, तो माइटोकांड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन में भाग लेता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में, तो यही सी नंबर, फॉलोइंग पेयर्स नॉट मैच्ड, माइक्रोसिस्टिस पोरो कैरियोट्स प्रोकैरियोट्स, देखो गलत लिखा है प्रोकैरियोट्स, यही तो गड़बड़ हो जाता है, पढ़ने में गड़बड़ आने लगता है। इसमें ऑप्शन दिया है माइटोकांड्रिया आर द कंसर्न द एरोबिक रेस्पिरेशन, अच्छा सॉरी
ये होता है। देखिए आप, हमने यहाँ गड़बड़ क्या किया, माइटोकांड्रिया एरोबिक करता है और हमने केवल ए देखा और एरोबिक देखा, रिस्पेंस हमने इसको तुरंत टिक कर दिया पूरा। तो इससे हमें एक चीज पता चली कि क्वेश्चंस को और आंसर्स को पूरा धैर्य पूर्वक पढ़ना चाहिए। हमने क्या किया कि आपसे कहा कि टाइम ज्यादा हो रहा है बहुत तेजी से, तो हमने ए देखा तो हमने कहा एरोबिक तो होता ही माइटोकांड्रिया, जबकि एनएरोबिक लिखा है, तो ये गलत है, ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, तो मैच करा लेते हैं, तो इसको ध्यान से देखते हैं। सेल रॉबर्ट हुक ने दी थी, ठीक है, इकोसिस्टम टेंसले ने दिया था, इकोलॉजी रेटर ने दी थी, जीन पेयर्स करेक्टली, द पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, तो जीन जॉनसन ने दी थी, बस अब आप इसी को कट कर लीजिएगा। सी द करेक्ट मैच आर द फॉलोइंग, तो उसमें से करेक्ट मैच कौन सा, सी नंबर है, सी के सामने रेटर है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार।